हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रामानंद सागर, जिन्हें हम नए जमाने का तुलसीदास भी कहते हैं, उनका जीवन कितनी कठिनाइयों और मुफलिसी से बीता और कैसे एक बार मौत से लड़कर वे हमारे बीच आए और टीवी की दुनिया में उन्होंने रामायण के माध्यम से अपने आप को अमर बना लिया। दोस्तों रामायण सीरियल को 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा और इसे 53 देशों में 12 भाषाओं में प्रसारित किया गया। लेकिन क्या आप रामानंद सागर के जीवन के बारे में जानते हैं? दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश थी कि रामानंद सागर के जीवन के अनछुए पहलू और उनके स्ट्रगल को आपके सामने लाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप देख पाएं मेरे आने वाले वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों उनका जन्म एक तूफानी रात में लाहौर के एक छोटे कस्बे असल गुरुके में हुआ था। उनका नाम चंद्रमौली रखा गया था, जो कि भगवान शिव का दूसरा नाम है। दोस्तों जब रामानंद सागर 5 साल के थे तब उनकी रियल माँ, जो कि दवाओं पर जीवित थी और उनकी कमर भी झुक चुकी थी, उनका 26 साल की उम्र में देहांत हो गया। हालांकि उनके वफादार सर्वेंट ने उन्हें रेगुलर दवाओं पर रखा, लेकिन फिर भी वे जिंदगी की जंग से हार गईं। रामानंद सागर के माथे पर चोट का एक निशान था, जो कि उनकी सौतेली माँ की वजह से था, जो कि उनको घर के काम की वजह से मारती पीटती थी। एक बार बर्तन अच्छी तरह से साफ ना कर पाने के कारण उनकी सौतेली माँ ने उन्हें एक स्टील का लोटा फेंक कर मारा था। इसी घटना की वजह से उनके माथे पर वो चांद जैसा चोट का निशान आ गया। दोस्तों उनकी माँ का ये रवैया इसलिए भी था क्योंकि वे अपने घर से अच्छा खासा दहेज लाई थी। दोस्तों कुछ सालों बाद रामानंद सागर की पत्नी भी बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी और कुछ दिन बाद उनके बच्चे का भी देहांत हो गया। दोस्तों अपने बच्चे के देहांत के बाद उन्होंने पत्नी के ना रहने पर अकेलेपन के कारण उन्होंने अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी कर ली, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उनकी नई पत्नी को अपनाने से मना कर दिया क्योंकि वह अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। इसके बाद उन्होंने अपने बचपन का घर छोड़ दिया और एक साइकिल रिपेयर की दुकान में रहने लगे। फिर उन्होंने कई नौकरियां और काम किए, जैसे सुनार के यहाँ उसके हेल्पर के रूप में, एक पियोन की तरह, और उसके बाद घूम घूम कर साबुन भी बेचने लगे। कुछ दिन ट्रक क्लीनिंग का भी काम किया। वैसे वे पत्रकारिता में राइटर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। दोस्तों 1941 वही साल था जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। 24 साल के रामानंद सागर को ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीवी डायग्नोस हुई और वे मृत सैया पर एक सैनिटोरियम में रहने लगे, क्योंकि उन दिनों टीवी का कोई इलाज नहीं था। उस बेड पर पड़े हुए उन्होंने लिखना शुरू किया और मौत के बिस्तर से या द डायरी ऑफ अ टीवी पेशेंट नाम से कुछ रचनाएं अदब मशरिक नामक मैगजीन के लिए लिखी। उनको उस समय जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी ये रचनाएं जबरदस्त हिट हो जाएंगी। आखिरकार उन्होंने एक यूनानी डॉक्टर की मदद से टीवी की मौत से जंग जीत ली, जो कि उनका इलाज सांप के जहर से किया करते थे। उसके बाद वे भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के भी गवाह बने जब वे 30 साल के थे और 5 बच्चों के पिता थे। दोस्तों इसी भारत पाकिस्तान पार्टीशन पर लिखी उनकी एक लव स्टोरी एंड ह्यूमैनिटी डाइड यानी और इंसान मर गया भी एक शानदार हिट रही। विभाजन के बाद नरसंहार या दंगों के चलते वे अपने पुश्तैनी घर श्रीनगर जाने लगे, लेकिन फिर पाकिस्तान की मुजाहिदीन आर्मी ने श्रीनगर पर हमला कर दिया और सेना की हवाई पट्टी को घेर लिया। उस दौरान वे अपनी 13 फैमिली मेंबर्स के साथ 4 दिन तक भूख प्यास से तड़पते हुए हवाई पट्टी पर ही पड़े रहे। उसके बाद एक छोटा सरकारी प्लेन आया सारे रेफ्यूजीज को दिल्ली पहुंचाने के लिए। जब वे प्लेन पर चढ़ने लगे तब पायलट बोला, केवल इंसान अंदर आओ बिना सामान के, और उसने लात मारकर उनके सर पर लदा एक बक्सा गिरा दिया जिसमें रामानंद सागर के लिखित साहित्य और रचनाएं थीं। बाद में उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरे पास बस यही धन है, जो भी है स्टोरीज और साहित्य ही है। तब पायलट उन्हें पहचान गया क्योंकि उसने मौत के बिस्तर से पढ़ी थी। तब पायलट ने उनके पैर छुए, उन्हें गले लगाया और उन्हें अपने बेशकीमती नोट्स लाने दिए। दोस्तों दिल्ली आकर उनके परिवार ने अपना पेट पालने के लिए खरबूजे या मेलन के सूखे बीज बेचना शुरू कर दिए। फिर कुछ दिन बाद बड़े साहित्यकार कृष्णा चंदेर और मोंटो ने उन्हें मुंबई जाकर फिल्म मेकर्स से मिलने का सुझाव दिया और वे मुंबई चले आए। तब उनका नाम रामानंद चोपड़ा था।
दोस्तों मुंबई में वे समंदर किनारे बैठे हुए थे, तब एक लहर आई और उनके पैरों को गीला कर गई। उन्होंने वरुण देवता को नमन किया और अपना नाम रामानंद चोपड़ा से बदलकर रामानंद सागर रख दिया। फिर एज अ राइटर उनकी फिल्म बरसात आई और एक सुपरहिट साबित हुई और मुंबई के थिएटर में 100 हफ्ते तक चलाई गई। फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और सागर आर्ट्स कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसकी पहली फिल्म मेहमान उन्होंने बतौर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनाई। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई और उनको और उनकी फैमिली को मेंटली और फाइनेंशियली काफी कमजोर कर गई। फिर उन्होंने एक और फिल्म बाजूबंद बनाई जो कि एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गई और रामानंद सागर को अंदर से तोड़ गई। इसके बाद वे चेन्नई चले गए और एज अ राइटर और डायरेक्टर जेमिनी स्टूडियोज के लिए काम करने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वापस अपनी खुद की एक और फिल्म बनाई। लेकिन इस बार उन्हें जबरदस्त सफलता हासिल हुई और वो फिल्म थी आरजू। और उसके बाद एक एक करके आंखें, गीत, ललकार, चरस, बगावत जैसी 6 हिट सिल्वर जुबली फिल्में बनाई। साल 1980 में जब वे बद्रीनाथ गए तब वहां उन्हें एक संत महावतार बाबा जी मिले और उनको रामायण को पुनः पर्दे पर जीवंत करने का बोला। इस घटना के कुछ दिन बाद रामानंद सागर ने घोषणा कर दी कि वे अब सिनेमा छोड़ रहे हैं और टीवी की दुनिया में आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि मेरे जीवन का मिशन है कि महाग्रंथ रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अब मानव जाति के दिलों में लाऊं। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सोचा कि रामानंद सागर पागल हो गए हैं और बोलने लगे कि बुड्ढा पागल हो गया। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना उन्होंने अलग अलग भाषाओं में रामायण को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक दिन दूरदर्शन को अपना प्रपोजल बताया कि वे रामायण को राइट, प्रोड्यूस और डायरेक्शन करना चाहते हैं। दोस्तों उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जिसे लगा कि कहीं भारत में रामायण के कारण एक हिंदुत्व की लहर न बहने लगे, इसलिए उनके विचार को कई सालों तक अप्रूवल नहीं दिया गया और लटकाए रखा। लेकिन भगवान राम और राम भक्त से कौन जीत सकता है, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें बुलाया और रामायण के प्रसारण की परमिशन उनको दी। जब रामायण का प्रसारण चालू हुआ उस समय दूरदर्शन के 4 करोड़ दर्शक थे, जो अचानक 8 करोड़ हो गए और देखते ही देखते यह संख्या 65 करोड़ से पार निकल गई। दोस्तों रामायण के प्रति लोगों की दीवानगी और आस्था ऐसी थी कि उस समय जब टीवी भारत में कम ही बनते थे, पूरे बाजार में टीवी शॉर्ट हो गए थे, यहाँ तक कि टीवी की डिमांड पूरी करने के लिए बाहर से भी टीवी मंगवाए जा रहे थे, लेकिन वो भी कम पड़ रहे थे। बिजली विभाग ने लोगों के रामायण के प्रति भावुकता के मद्देनजर उस समय बिजली काटना बंद कर दिया था जब रामायण प्रसारित होती थी। दोस्तों साल 1992 में रामानंद सागर ने श्री कृष्णा भी बनाया जो कि काफी हिट रहा। 12 दिसंबर साल 2005 को रामानंद सागर का निधन हो गया। रामानंद सागर कहते थे कि उनके नाम में ही उनके जीवन का अभिप्राय छिपा है, यानी उनका जन्म राम के आनंद यानी प्रेम को सागर रूपी मानव जाति में फैलाने के लिए हुआ है। दोस्तों जब रामायण का प्रोडक्शन शुरू हुआ था तब वे 70 साल के थे और रामायण के साथ ही वे भी हमेशा के लिए अमर हो गए।